नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब रात्रिकालीन ड्यूटी भी करेंगे शिक्षक। जी हां साथियों, जिला शिक्षा अधिकारी शिवपुरी ने एक आदेश जारी किया है जिसमें निर्देशित किया गया है कि विद्यालय में उपस्थित संबंधित स्टाफ में से प्रत्येक स्टाफ को रात्रिकालीन समय में विद्यालय में बारी बारी से उपस्थित रहना होगा। आइए जान लेते हैं क्या है पूरी खबर। आदेश आप मेरे साइड में देख भी रहे होंगे, प्रायः कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सुप्री मध्य प्रदेश, आदेश दिनांक 5/7/2022 को आदेश जारी हुआ है। प्रायः मेरे संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्य एवं संस्था प्रधानों द्वारा विद्यालय परिसर की समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा रही है। इस कारण संस्था कार्यालय परिसर में रखा हुआ महत्वपूर्ण अभिलेख एवं अन्य सामग्री चोरी की घटनाएं घटित होती रही हैं। घटना घटित हो जाने के मात्र पुलिस विभाग में प्राथमिक दर्ज कराई जाकर संस्था प्रधान द्वारा पल्ला झाड़ लिया जाता है। यह स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है। संस्था कार्यालय परिसर में रखे हुए महत्वपूर्ण अभिलेख एवं अन्य सामग्रियों की सुरक्षा का जिम्मा समान रूप से संबंधित संस्था प्रधान, संकुल प्राचार्य एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी का है। अतः समस्त संबंधितों को निर्देशित किया जाता है कि उपलब्ध स्टाफ में से ही बारी बारी रात्रिकालीन ड्यूटी लगाई जाकर संस्था कार्यालय में रखे हुए महत्वपूर्ण अभिलेख एवं अन्य सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित की जावे। विपरीत दशा में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर संबंधित संस्था प्रधान, संकुल प्राचार्य, विकासखंड शिक्षा अधिकारी से उक्त अनुसार शासन को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। भरपाई न हो पाने की दशा में संबंधितों के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित कर उचित कार्रवाई की जाएगी, यह बात नोट कर ली जावे। इस आदेश के क्या मायने हैं और कहां तक शिक्षकों का विद्यालय में रात्रिकालीन ड्यूटी करना जायज है, यह तो सुप्री जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ही बता सकते हैं। हालांकि यदि बार बार संबंधित विद्यालयों पर चोरी जैसी अप्रिय घटनाएं हो रही हैं तो आप चाहें तो संबंधित विद्यालय पर गार्ड की व्यवस्था कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से शासकीय शिक्षक को संबंधित विद्यालय पर रात्रिकालीन ड्यूटी देने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी स्थितियाँ हैं उनको एक सामंजस्य बनाकर उनका निराकरण कर लिया जाए। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी जो कि संबंधित शिक्षक साथियों से जुड़ी हुई थी। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसी जानकारियां समय समय पर आप लोगों तक पहुंचती रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।